विश्व की महिला दिवस पर मैं आपके सामने खड़ी हूं और अपनी सोच जो है आपसे बांटने की अवसर दिया गया है, इसलिए मैं यहां के सभी नेतागण को मैं अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को वोट देने वाली या वोट दिलवाने वाली मशीन नहीं समझती। जैसे यहां का सरकार, यहां का बीजू जनता दल समझता है कि ओडिशा में जो महिलाएं हैं वो केवल और केवल वोट की नजरिया से देखा जाता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से या वोट की दृष्टि से नहीं देखता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मानती है सच्चे दिल से, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। इसका अर्थ यही है कि जहां महिलाओं की गौरव होती है, सम्मान होता है, वहां जरूर बढ़ोतरी होती है और आगे बढ़ने की आशा भी हम रख सकते हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि महिलाओं की सच्चे ईमानदारी से उनका सम्मान हो, उनका गौरव हो। एक बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात देशवासियों से बांटते वक्त उन्होंने यही कहा कि अगर हमारी घर की लड़की, हमारी बेटी बाहर जाती है और देरी से घर आते हैं तो हम उनको हजार प्रश्न पूछते हैं कि तुम कहां गई, किसके साथ गई, कहां बैठी, कौन सी बात हुई, ये सब हम अपनी बेटियों से पूछते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा कि ये सवाल हमें अपने बेटियों से नहीं, हमारे बेटे से पूछना है कि तुम इतने देरी से घर क्यों आया, किसके साथ गया, किसके साथ बैठा, कौन सी बात किया, किससे साथ अपिया, ये सब हमारे बेटे से हमें पूछना है। क्योंकि समाज में जो हम दुष्कर्म देखते जा रहे हैं, जो बढ़ती जा रहे हैं महिलाओं के प्रति, वो सब इसलिए होते जा रहा है क्योंकि हम अपने घर के बेटों से हम ये सवाल नहीं पूछते। ये मैं आपको बता रही हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को, अपने बेटियों को कितनी सम्मान करती है। अभी हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखे थे जिसमें शारदा प्रधान भाई ने पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को जो योजनाएं हैं, जैसे शौचालय बनाना, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर लाल किले से देश को अपना संदेश दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि मैं हर एक घर में शौचालय का निर्माण कराऊंगा। तो सभी, बहुत सारे ऐसे नेता लोग थे जिन्होंने हंसी उड़ाई कि प्रधानमंत्री पहले बार संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं और बात कर रहे हैं शौचालय के निर्माण के बारे में। पर इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की सोच यही थी कि हमारी बेटियां, हमारे माँ जो बाहर जाती है शौचालय के लिए, वो कितनी अपनी आत्म गौरव को गिरवी रखकर वो बाहर जाती है।